नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके यूट्यूब चैनल गॉप जॉब टाइमलाइन पे। दोस्तों आज है 5 नवंबर रविवार और आज की जो 5 बड़ी भर्ती है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया से आया है, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हो, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री या तो फिर डिप्लोमा की है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जितना भी वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पे दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा मेरिट के बेसिस पे भर्ती होगा, और कुछ वैकेंसी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज की 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली के डेली बेसिस पे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे, वहां पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूं आज की 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी आ गए हैं gopjobtimeline.in के ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा 5 नवंबर 2020 Top 5 Government Job। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पूरा पेज है दोस्तों ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नवंबर Top 5 Government Job। यहाँ पे दोस्तों जो पहला वैकेंसी आया आपका MP पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 का, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। अगर हम बात करें पोस्ट नेम की, यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी, टोटल 4000 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आपका सैलरी हो जाएगा 5200 से लेकर 20200 रुपए, साथ ही साथ आपको ग्रेड पे मिल जाएगा 1900 रुपए। क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं पास या तो फिर 12वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट दोस्तों अगर हम बात करें 18 से लेकर 33 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए 560 रुपए, SC ST कैंडिडेट के लिए 310 रुपए रखा गया है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। सिलेक्शन दोस्तों आपका होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के थ्रू। अप्लाई मोड जो दोस्तों ऑनलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, लास्ट डेट जो रखा गया अप्लाई करने का दोस्तों, यहाँ पे 7 जन को रखा गया है, 7 जन 2021 को। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ पे केयर टेकर और आया पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपका सैलरी हो जाएगा एज पर ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12वीं पास रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रखा गया है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के थ्रू, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपको हो जाएगा न्यू दिल्ली में। लास्ट दोस्तों 16 नवंबर को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें पे स्केल तो 34,100 से लेकर 31,260 रुपए हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन BE, BTEC, MCA, MSc और MTEC रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 30 साल 32 साल रखा गया एज पर पोस्ट के हिसाब से। एप्लीकेशन फी दोस्तों यहाँ पे जनरल OBC के लिए 500 रुपए, SC ST PWD और EWS कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा मुंबई में। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 15 नवंबर को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे आपका सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से, यहाँ पे जूनियर ओवरमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे सैलरी हो जाएगा 31,852 रुपए। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर 30 साल रखा गया। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा ऑल इंडिया में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम दोस्तों बात करें, लास्ट डेट रखा गया 11 नवंबर को। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, यहाँ पे लोअर डिविजन क्लर्क के लिए वैकेंसी आया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5000 है। पे स्केल आपका हो जाएगा 5200 से लेकर 20200 रुपए। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल रखा गया है।
एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी के लिए ₹100 रखा गया है, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड जो दोस्तों ऑनलाइन है, जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। लास्ट डेट रखा गया दोस्तों 1 दिसंबर को। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो 1 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में। सो फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।